history of India goes back thousands of years and is filled with a number of inventions and innovations. We are proud of this rich heritage and even more excited to create the future. जैसा कि आप सभी जानते हैं, जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च होने वाला है और बताया गया कि दिवाली पे ही इसको लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए क्या होता है, दिवाली तक लॉन्च होता है कि नहीं होता है। लेकिन जो इसका एक्सपेक्टेड जो इसका फीचर है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आप लोग इसे एकदम फ्री में बुकिंग कर पाओगे। और कितना इसका प्राइस होगा, जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो कितना तक है और हाइएस्ट प्राइस कितना तक जा सकता है, तो सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले जान लेते हैं जियो फोन नेक्स्ट का जो फुल स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में। तो यहाँ पे नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ, जो ब्रांड है इसका जियो का है, मॉडल जो है फ़ोन जियो फोन नेक्स्ट है और इसका प्राइस इंडिया में हो सकता है 3000 से लेके 6-7000 के आसपास तक हो सकता है। रिलीज डेट नवंबर में ही बताया गया है, दिवाली पे यानी कि 4-5 तारीख तक ही शायद रिलीज हो जाए और लॉन्च जो होगा इंडिया में होगा। जो फॉर्म फैक्टर है इसका वो टच स्क्रीन है। बैटरी कैपेसिटी जो है इसका 25 मेगाहर्ट्ज का है और डिस्प्ले जो है 5.50 इंच का है। टच स्क्रीन है यहाँ पे अवेलेबल। हार्डवेयर जान लेते हैं, जो प्रोसेसर मेक है क्वालकॉम 215 है, रैम 2GB में और आपको 3GB मिलेगा और इंटरनल स्टोरेज आपको 16GB 2GB के साथ मिलेगा और 32GB मिलेगा 3GB के साथ। और इसके बाद आप लोग इसका स्टोरेज बढ़ा भी सकते हो। कैमरा जो है उसका कैमरा टोटल इसमें एक है और यहाँ पे फ्लैश जो रियल फ्लैश में LED होता है वो फ्रंट कैमरा भी है और नंबर ऑफ फ्रंट कैमरा एक है और नंबर ऑफ बैक कैमरा जो होता है रियर कैमरा वो एक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सॉफ्टवेयर जो है इसका एंड्रॉयड का है। वाईफाई मिलेगा आपको, GPS मिलेगा, ब्लूटूथ मिलेगा, डबल सिम मिलेगा आपको और सिम वन टाइप में दोनों में नैनो सिम है और सिम वन हो चाहे सिम टू हो और दोनों 4G LTE सपोर्टेड है और दोनों 3G सपोर्टेड है। और उसके बाद जो इसका सेंसर है एक्सेलेरोमीटर का वो आपको मिलेगा यहाँ पे और इसके साथ ही इसमें बहुत सारे आपको स्पेसिफिकेशन मिलेगा और 13 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे कैमरा मिलने वाला है। तो आप इसको आसानी के साथ यूज कर पाओगे और बहुत ही बेहतरीन होगा, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़बरदस्त यहाँ पे देखने में आपको शो कर रहा है। जियो फोन जो नेक्स्ट है, नए इंडिया का नेक्स्ट स्मार्टफोन है, तो आप लोग इसे लेके और आसानी से साथ चला सकते हो और बहुत जल्द रिलीज होगा। आप लोग चाहो तो इसे 500 रुपये में घर लेके आ सकते हो EMI पे और आसानी के साथ आप इसका यूज कर सकते हो। और बहुत जल्द इसका बुकिंग स्टार्ट होगा क्योंकि नवंबर में बताया गया, तो दिवाली तक तो रिलीज हो ही जाना चाहिए था। तो देखिए अब क्या होता है, दिवाली तक रिलीज हो रहा है कि फिर इसका डेट जो है आगे बढ़ रहा है, हम लोग देख के और जल्द ही जान लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।